बिहार में इन दिनों एक नई बहस छिड़ गई है। बहस के केंद्र में है महागठबंधन सरकार की दो बड़ी पार्टियां आरजेडी और जेडीयू और साथ ही लेफ्ट पार्टी सीपीआई माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। लेफ्ट का हमला तो अपनी ही महागठबंधन सरकार पर है, लेकिन बीजेपी इस ताजा घटनाक्रम के बाद सिर्फ लेफ्ट को ही पानी पीकर कोस रही है। बीजेपी की तरफ से जो हमला हुआ है वो सीधे सीधे वामपंथी पार्टी पर ही है। हालांकि बीजेपी ने नीतीश तेजस्वी को भी नहीं बख्शा, लेकिन सीधे निशाना लेफ्ट पर ही लगाया है। जी हां, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने लेफ्ट पार्टियों को इस दफे आड़े हाथों ले लिया है। निखिल ने कहा कि सीपीआई माले अब अन्य पार्टियों की तरह दिखावा करने लगी है। JNU-SU के पूर्व अध्यक्ष और कुशवाहा समाज के बेटे, जिस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्र पदाधिकारी शहाबुद्दीन और उनके लोगों ने की, उसी पार्टी से चंद सीटों के लालच में लेफ्ट ने समझौता कर लिया। गैस हद तक गिर जाएंगे, हमें विश्वास नहीं था। CPIML भी अब अन्य पार्टियों की तरह वैचारिक आडंबर करने लगी, दिखावा करने लगी। जिस पार्टी के नेता JNU-SU के पूर्व अध्यक्ष और कुशवाहा समाज के बेटे कॉमरेड चंद्रशेखर की हत्या, जिस पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन और उनके लोगों ने की, उस पार्टी से चंद सीटों के लालच में इन लोगों ने समझौता कर लिया और ये इस हद तक गिर जाएंगे, हमें विश्वास नहीं था। कालांतर में IPF टूटकर लालू जी की पार्टी में विधायक भी चले गए थे और आज तो ये स्थिति है कि CPIML के नेता ज़्यादा चू चपर करेंगे तो इनकी पार्टी के विधायक एक बार फिर से RJD में शामिल हो जाएंगे। कई लोगों की बातें भी हो चुकी हैं। अब जो वादा खिलाफी की बात दीपांकर भट्टाचार्य जी कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी, किसानों का सवाल हो, शिक्षकों का सवाल हो, व्यवसायियों और आम लोगों की सुरक्षा कानून व्यवस्था का सवाल हो, वादा खिलाफी कर रहे हैं, कहीं भी खरे नहीं उतर रहे। अब तो नौकरी बांटने का, नियुक्ति पत्र देने का ये इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। राजस्व कर्मचारी जो 4,325 लोगों को नियुक्ति पत्र हो, मेडिकल स्टाफ जो 9,000 के आसपास जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया, पंचायती राज विभाग के लोगों को जो नियुक्ति पत्र दिया गया, ये सब नौकरियां NDA सरकार में ही बांट दी गई थी। राजस्व कर्मचारी तो नौकरी करके एक महीने का वेतन भी उठा लिए थे, उनको बुलाकर ये फिर से नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। देखिए, इनकी अपनी वैकेंसी निकाली हुई नौकरी कहीं भी अभी तक एक भी नौकरी नहीं मिली है। ऐसे में दीपांकर भट्टाचार्य जी का सवाल सही है, नीतीश जी पर वादा खिलाफी का आरोप सही है, लेकिन इनको CPIML के लोगों को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि वो राजनीति के लिए कहां से कहां तक, अर्श से फर्श तक आकर गिर गए हैं और कितना अब लोटेंगे घुलटेंगे RJD और JDU के सामने, ये अभी आने वाले वक्त में पता चले। बहरहाल आपको बता दें, माले के राष्ट्र महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने ये बयान दे डाला था कि महागठबंधन सरकार उम्मीद के विपरीत लोगों को निराश कर रही है। चाहे मसला शिक्षकों की बहाली का हो या फिर भूमिहीनों का, महागठबंधन सरकार से अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया जाना चिंताजनक है और इससे युवाओं में आक्रोश पनप रहा है।